नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जिसके रहते आपके मोबाइल में कोई भी व्यक्ति आपके फ़ोन को छेड़खानी में नहीं रख सकता। जी दोस्तों, अगर आपका फ़ोन कोई भी व्यक्ति ले लेता है, आपका फ्रेंड या घर का मेम्बर या एनी कोई भी व्यक्ति, और वो आपके फ़ोन के अनदर एप्लीकेशन में उंगली करता है, उनको चेक करता है, देखता है, तो वो किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही दमदार और बहुत ही अलग है, क्योंकि ये एप्लीकेशन अन्य सीक्रेट लॉक से अलग है। जी दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो आपके फ्रेंड वगैरह सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे किया। जी दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे या आप जब आपका कोई फ्रेंड या कोई व्यक्ति आपके फ़ोन के एप्लीकेशन को ओपन करना चाहेगा तो वहाँ पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आ जाएगा। दोस्तों वो फ़ोन ही उनका सिक्योरिटी लॉक होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी पाने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप ऐसे यूजफुल वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको कि आप किस तरह इसका यूज़ करेंगे, आप किस तरह इसको डाउनलोड करके किस तरह इसकी सेटिंग करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप उस लॉक का यूज़ किस तरह करेंगे, यानी किस तरह अपने फ़ोन में इस तरह का लॉक लगाएंगे जिससे कि आपके फ्रेंडों को बुरा भी ना लगे और वो आपके फ़ोन के एप्लीकेशन को ओपन भी ना कर पाएँ। दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाइएगा, और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें और बेल आइकन में दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में जाकर दोस्तों यहाँ नाइस एप्लीकेशन लिखकर मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। और दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों देखिएगा, ये वो एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है प्राइवेसी लॉक। दोस्तों हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और आपको इसका नाम भी पता चल गया होगा दोस्तों, ऐप लॉक। दोस्तों हम यहाँ से ओपन करेंगे इसको, और आप देखें दोस्तों जब ये ओपन होगी तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। और दोस्तों इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों अलाउ करेंगे इसको, एक बार फिर अलाउ कर देंगे। दोस्तों इसको चार बार अलाउ करना होता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों प्लीज सेट द पासवर्ड मांग रहा है। दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन के लिए एक अलग से पासवर्ड देना पड़ता है, आपको जो पासवर्ड उचित लगता है दोस्तों आप वो पासवर्ड दे दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, कन्फर्म करने के लिए एक बार और करेंगे, ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से इसे ओके कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज माई मॉम। दोस्तों इसे आंसर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना वही जो आप याद रख सकें, ताकि अगर फायदे में आपका पासवर्ड आप कभी भूल जाते हो तो उसे आप देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ये आंसर देना है, और इस आंसर में दोस्तों आप वही लिखेगा जिसे आप भूल ना सको। अगर आप कभी भूल जाते हो अपना पासवर्ड तो अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों हम याद आके इसे क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे ये सब लॉक है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन जो लॉक रखे हैं, आप इनमें से जो सी चाहें आप वाली एप्लीकेशन लॉक कर सकते हो। देखिए दोस्तों इसमें आधी एप्लीकेशन लॉक है और आधी आप खुद कर सकते हो। आप जिस पर लॉक करना चाहते हो, आप जिस जिसको बचाना चाहते हो, आप वही एप्लीकेशन लॉक कीजिएगा दोस्तों, और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लॉक है लगवा ऑलरेडी। देखिए दोस्तों इतनी सारी पर लॉक लगवा, इतनी एप्लीकेशन पर आप और भी चूज करके लगा सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे भी फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों सेटिंग दिख रही है, एक सेटिंग है ये दोस्तों ऊपर, और ये क्या है दोस्तों, दो सेटिंग है, लेकिन दोनों में क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। हम किसी भी एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर आकर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन है ऑन है, लेकिन इसमें एक एप्लीकेशन ऑफ है। दोस्तों हम अगर किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो हमें उसको परमिशन देनी होती है, और परमिशन दे देंगे दोस्तों यहाँ से, और यहाँ से बैक चले जाएंगे। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि हमने इसकी परमिशन दे दी, जब बैक जाते हैं और यहाँ पे दूसरी सेटिंग आपको दिख रही है दोस्तों, ये नीचे वाली सेटिंग को भी ओपन करेंगे और इसको भी इसी तरह से दोस्तों हम ओपन करेंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दिया, आप देख लीजिएगा हमने इसको परमिशन दे दिया, और यहाँ से बैक चले जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों फिनिश कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो लॉक है और आधी है यहाँ पे अनलॉक। अगर आप जो गिन के करना चाहते हो, जो जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन्हें आप चाहते हो कि इन्हें कोई ना छेड़े, तो दोस्तों उन्हें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐप कवर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने ऐप कवर पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे दोस्तों हम ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, नो कवर या नो कवर पे क्लिक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, इन तीनों में से हमें क्या करना है दोस्तों, अननोन कॉलर। दोस्तों हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे,
अब दोस्तों देख रहे हैं आपकी ये इस तरह से परमिशन मांग रहा है। दोस्तों जिस तरह इसमें दिखाया गया है इसी तरह आपको करना होगा, और जैसे ही आप इस तरह कर दोगे आपका फोन का पासवर्ड सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसी तरह कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों हम अनेबल कर देंगे। दोस्तों आपका पासवर्ड मोड अनेबल हो चुका है जहाँ दोस्तों, यानी कि आपकी एप्लीकेशन की सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों जब आप अपने फोन की सारी एप्लीकेशन ऑफ बंद कर दोगे और जब आप इसे पावर ऑफ का बटन दबाकर, अब मैं आपको बता दूंगा आप इसका यूज किस तरह करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम बैक जाते हैं यानी वापस चल जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये मेरा फोन है और इसे मैं यहाँ से पावर ऑफ कर देती हूँ। अब इसे दोस्तों मैं ओपन करती हूँ, क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए दोस्तों इतनी सारी एप्लीकेशन है, ये सारी यूजफुल है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने ये सेटिंग तो कंप्लीट कर ली है, अगर आप अपने फ़ोन की किसी भी एप्लीकेशन पर काम करोगे, जैसे आप फेसबुक चलाना चाहोगे तो दोस्तों अचानक इस तरह का एक अननोन नंबर से फ़ोन आ जाएगा, जिसमें कि ये कोई फ़ोन वोन कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये इस तरह की एक सेटिंग है जो आपके फ़ोन पर उपलब्ध हो गई है। अगर आपका कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या घर का कोई सदस्य आपके फ़ोन में छेड़खानी करता है और आप चाहते हैं कि कोई भी छेड़खानी ना करे, तो दोस्तों इस पासवर्ड को अपने फ़ोन में ज़रूर रखिएगा। अगर आपका व्हाट्सअप कोई चेक करता है तब भी दोस्तों एकदम से इस तरह का बन जाएगा और मतलब अननोन नंबर से फ़ोन आ जाएगा और आपका जिसने आपका फ़ोन लिया होगा वो परेशान होकर आपको फ़ोन दे देगा कि आपका बार बार फ़ोन आ रहा है। और दोस्तों जब हम इसका यूज़ करेंगे यानी कि इस तरह का नंबर आएगा, अननोन नंबर से फ़ोन आएगा, तो आप इसे ओपन कैसे करेंगे दोस्तों, तो वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। जिस तरह से आपने एक पासवर्ड सेट किया था उसमें उसी तरह करना होगा दोस्तों। हम इस तरह घुमाएंगे इसको और यहाँ पे दोस्तों वही पैटर्न बन गया है जो आपने डाला था, और इस तरह ओपन करेंगे दोस्तों तो देखिएगा एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब अगर आपका फ्रेंड या आपके घर के सदस्य अगर कोई भी आपका व्हाट्सअप या फेसबुक चेक करना चाहता है या आपके फ़ोन में कुछ सर्च करना चाहता है, अगर वो देखेंगे तो वो देख नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर एम एक्सप्लोरर पर करते हैं तब भी दोस्तों इसी तरह का आएगा। दोस्तों कोई भी आपके फ़ोन को छेड़ नहीं सकता, आई मीन कुछ भी ओपन नहीं कर सकता। तो दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक, तो आप भी दोस्तों इसे डाउनलोड कीजिएगा और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हुआ, आप उसकी मदद से भी इसे यूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।